हेलो। हेलो यस मैम। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए। सर, क्या चल रहा है ऑन पैसे में? हाँ ऑन पैसे में मैम? ऑन पैसे जी में सर। आज 360 वेबिनार है ऑन पैसे अरे का। सर, 360 वेबिनार का तो छोड़ो, ये तो हर हफ्ते होता है सर, महीने में 4 बार होता है, इसका तो हम बाद में समझ लेंगे। आप तो मुझे ये बताइए, जो हैदराबाद ऑफिस है वहाँ पे क्या चल रहा है? ये सब एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ की सैलरी की डिमांड कर रहे हैं कि ऑन पैसे उन्हें सैलरी नहीं दे रहा। अच्छा, आप हैदराबाद ऑफिस की बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, जहाँ तख्ती ले लेके बैठे हैं एम्प्लॉयज की क्या लेके सैलरी बैठे को, हैं तख्ती लेके बैठे हैं सर। हाँ ऑफिस के सामने? ओके जी बिल्कुल, बहुत भारी धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ तो एम्प्लॉयज का। हाँ ओके। तो जी मैम, ये सारी खबरें आप कहाँ से लेके आ रहे हैं ये खबरें? अरे सर, ये तो न्यूज में हो रही है, हर कहीं वायरल हो रही है, आपने नहीं देखी क्या सर? नहीं, मैंने भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं देखा है। उन पैसे की यार छोटी बड़ी अपडेट मैं लेता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर अब तो यही है दिखा रहा है उन पैसे का, तो कहीं उठा के देख लो, आप न्यूज में देख लो, कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लो, कहीं भी देख लो। ओके ओके। कि उन पैसे के जो एम्प्लॉयज हैं वो परेशान हाँ है। हाँ बहुत ज्यादा परेशान है सर, उनको सैलरी नहीं दे रहा एम्प्लॉयज को, तो फाउंडिंग मेंबर्स को क्या मिलेगा सर कंपनी से? ओके ओके। आप कहना वो तो चाहते हैं कि काम उन कर रहे हैं पैसे? सर, काम के बदले अपना जो मेहनताना है वो मांग रहे हैं सर, वो ओके ओके। तो उनको सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? मैम, आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें जो आप सुन पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं न्यूज़ में, ये सारी बातें क्या आपको सच लगती है? सर कहीं तो कुछ तो सच्चाई है, जहाँ आग लगी है वहीं से तो धुआं उठता है, ऐसे तो नहीं उठ जाता ना सर। नहीं, वो बात आपकी ठीक है मैम। देखो, आप हाँ जो मेरे को जी बता रहे हो ना, ये सारी की सारी बातें काफी हद तक सच है, ठीक है। जो एम्प्लॉय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ जो जी एम्प्लॉय अपनी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पे जो पुलिस चौकी है, माधवपुर कौन सी क्या पुलिस चौकी है, वहाँ पे जाके FIR दर्ज करवा रहे हैं, हाँ ये जी सारी बातें कहीं ना कहीं सच है, ठीक है। मैम देखो, ये चैलेंजेस जो ऑन पैसे के सामने आ रहे हैं, ये हाँ अब से जी नहीं आ रहे, काफी समय से ये चैलेंजेस ऑन पैसे के सामने आ सर, रहे हैं, पहले तो इतना देखने को नहीं मिल रहा, अब तो बहुत ज्यादा ठीक वायरल हो है। रहा है। चीजें क्या होती है मैम, जब देखो, जब वास्तविक चीजें जब सामने आती है तब चीजों का पता लग पाता है, ठीक है। हाँ जी बट इसमें मैम देखो, एक सोचने वाली बात ये है, अभी आपने और मैंने सिर्फ ऑन पैसे का एक पक्ष देखा है, ठीक है। अच्छा जी किसका पक्ष देखा है? अभी सिर्फ एम्प्लॉय का पक्ष अपन ने देखा है, ठीक है। अभी एक साइड से अपन ने इसको देखा है। अभी अच्छा जी मिस्टर ऐश को नहीं सुना है अपन ने इसके बारे में, कि मिस्टर ऐश क्या कहना चाहते हैं, समझ पा अच्छा रहे हैं जी, आप? मतलब इसके देखो, दोनों पहलू नहीं देख पा रहे हम। अपन अभी दोनों पहलू नहीं देखे हैं अपन ने सिर्फ और अच्छा सिर्फ जी अभी कर्मचारियों के बारे में सुना है, ठीक है। हाँ जी, जो भी न्यूज़, जो भी फिर सर पोस्ट, इतना वायरल हो रहा है, इसमें उफारे क्यों नहीं बोल रहे कुछ आके? मैम हाँ मिस्टर ऐश फारे, आज का जो 360 वेबिनार है अपना, जो जी रात को 11:30 बजे 360 वेबिनार होगा, उसमें मिस्टर ऐश आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, और तब कंपनी पता के, चलेगा मतलब हाँ, सच्चाई। कंपनी के व्यूज आ चुके हैं इस स्टेटमेंट के बारे में, कि जो अच्छा भी जी हैदराबाद ऑफिस में चल रहा है उसके बारे में कुछ न कुछ रीजन है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी आपका ही फोन नहीं आ रहा मेरे पास, पता नहीं कितने फाउंडिंग मेंबर्स का कॉल आ चुके हैं कि हैदराबाद ऑफिस में क्या चल रहा है। तो हाँ जो जी चल रहा है वो अपने को दिख रहा है वहां पे, हाँ समझ पा रहे बिल्कुल दिख रहा है हैं? सर जो भी उनको। पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो सारी की सारी चीजें अपने को दिख रही हैं, ठीक है। हाँ देखो मैम, इस लाइन का एक ही जवाब है, जो जो भी चल रहा है ये कंपनी का और कर्मचारी का मैटर है, अच्छा जी, ये कंपनी का और कर्मचारी का मैटर है। यदि कोई पर सर कर्मचारी, कहीं ना कहीं अगर कंपनी में कुछ दिक्कत हो रही है तो फाउंडिंग मेंबर्स को भी तो परेशानी है उस चीज से, आगे कंपनी की प्रोसेसिंग तो रुकती है ना उससे। मैम देखो, कंपनी का प्रोसेसिंग, वेल ऑब्वियस, बिल्कुल करेक्ट है आपका, कि कंपनी जैसे जैसा कंपनी को जैसा ट्रैफिक मिलेगा तो हमें कुछ मिलेगा, अब कंपनी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी तो गलत हो रहा मैम है सर। देखो, ये चीजें हैं ना, ये एक सर्टेन लिमिट के लिए होती है, ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें परमानेंट रहती हैं, ठीक है। परमानेंट तो इसमें कुछ भी नहीं इसमें एक रहता चीज सर। ये भी हो सकती है कि मैम देखो, ऑन पैसे को ज्यादातर चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। आपने हाँ देखा होगा जी ऑन पैसे को, कभी ये कठिनाई आ गई, कभी ये वो परेशानी आ गई, तो कभी ये हर चैलेंजेस, जगह आते हैं सर, हर जगह आता किसी है। भी बंदे बट की लाइफ में भी इसमें हो से जाते हैं मैम, चढ़ाव उतार इसमें तो। से एक चीज जो है ना वो नोटिस करने वाली है, हाँ कि जी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जैसे ऑन पैसे के अंदर, ऑन पैसे का जो अपना हैदराबाद ऑफिस है हाँ उसमें जी सपोज करो जैसे 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे रही हो कंपनी, समझ जी पा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ सौ एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं मैम, या तो वो कंपनी की नजर में संदिग्ध है, ठीक है, या तो वो, ये भी कह सकते हो कि वो कंपनी के साथ काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, राजी ठीक नहीं। हाँ है। जी अच्छा बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो कंपनी क्या करती है, कुछ एम्प्लॉय की सैलरी को होल्ड पर डाल देती है, ठीक है। जी हाँ आपने भी कभी प्राइवेट जॉब करी होगी, मैंने भी प्राइवेट जॉब करी हुई है, ठीक है, और फिलहाल जी भी मैं कर रहा हूँ।
तो मैम कहीं ना कहीं यदि एम्प्लॉय के साथ कोई दिक्कत होती है, कंपनी के और एम्प्लॉय के बीच में यदि कम्युनिकेशन गैप आता है, तो कंपनी का फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी क्या करती है मैम, उसकी सैलरी को होल्ड पे डाल देती है। ठीक है, कंपनी के पास अच्छा एक ही हथियार है, वो हथियार है आपकी सैलरी को होल्ड पे डलवा देना। ठीक है, आप क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे, महीने दो महीने कंपनी आपकी सैलरी होल्ड पे डलवा देती है। ठीक है, अच्छा जी, तो तो इसके लिए मैम देखो, फिर उस कंडीशन में तो सर आप काम कैसे करोगे कंपनी में, जब आप मैम काम कर रहे हो और देखो, आपको पैसा नहीं मिल रहा काम तो? करना वो एम्प्लॉय क्या करता है, अपने आप को स्ट्राइक पे आ जाता है, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में ऑप्शन आ जाती है, उसके पास एक ही ऑप्शन है मैम, यदि उसको दिक्कत आ रही है, यदि किसी एम्प्लॉय को दिक्कत आ रही है तो लेबर कोर्ट है, आप हाँ लेबर जी, कमिश्नर ऑफिस जाओ, लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाके आप लिखित में अपनी शिकायत दो। ठीक है, जी बिल्कुल, यदि आपको हाँ जी, सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है तो आप शिकायत दो, और यदि ऑन पैसिव की बात करता हूँ तो मैम ऑन पैसिव की जो लीगल टीम है हाँ जी, वो ऑलरेडी हैदराबाद में है ही। ठीक हाँ है, जी, तो उन दोनों का जो भी रहेगा वो मसला वो अपने आप सुलझाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। यदि हाँ जी, 500 एम्प्लॉई है तो 500 एम्प्लॉई में से 10 एम्प्लॉई को दिक्कत है, 50 एम्प्लॉई को दिक्कत है, या 100 एम्प्लॉई को दिक्कत है। ठीक है, अच्छा जी, सैलरी के रिगार्डिंग इसके बारे में देखो, आज मिस्टर ऐश जो है आज के 360 वेबिनार में कन्फर्म आ रहे हैं, जैसा अच्छा जी, इंडियन लीडर्स ने बताया कि आज मिस्टर ऐश आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वो आते हैं तो मैम इन चीजों के बारे में शायद जितना मैं सोचता हूँ जरूर बातें होंगी, स्पेशली इंडिया के लिए। ठीक है, हाँ जी बताइए, और एक बात और है मैम, देखो हैदराबाद जो ऑफिस है, तो अपने जो ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हाँ कहीं ना कहीं हैदराबाद ऑफिस के आसपास भी रहते ही हैं। ठीक है, जी, तो उनका भी यदि कोई स्टेटमेंट आ जाता है या किसी एम्प्लॉय का यदि प्रूफ आ जाता है कि हमें इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है, इतने एम्प्लॉय के साथ ये दिक्कत आ रही है, तब जाके चीजों का पता लगेगा मैम। एक्चुअल अच्छा मतलब जो गहराई जो है ना, जो निचोड़ जो है ना, वो जी, आने के बाद ही पता चलेगा कि एक सिक्के के जब दोनों पहलू अपन देख लेंगे ना, मिस्टर ऐश की भी अपन सुन लेंगे आज, और हाँ जी एम्प्लॉय की तो सुन ही ली अपन ने कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी जी चीजें अपन ने बिल्कुल, देख ही ली है। ठीक है, तो चीजों का तब जाके पता चलेगा। हाँ, बट ये चीज जरूर है कि एम्प्लॉय परेशान है और कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर भी परेशान है। ठीक जी है, बिल्कुल, फाउंडिंग हाँ ये बात, मेंबर तो अपन ही है सर, अपने को भी तो करता है परेशान तो है सर, हाँ फाउंडिंग मेंबर इतने भी दिन से परेशान है और कंपनी ऐसे, कर्मचारी हाँ भी परेशान है, ये बात फैक्ट है। बट कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल पा रही है तो उनको सैलरी में मिलेगी, कोई भी कंपनी अच्छा, किसी भी कर्मचारी की सैलरी को नहीं रोक सकती है। ठीक है, उसके पास ठीक है, लेबर कमिश्नर कोर्ट है, वो वहां पे जाके कंप्लेंट दर्ज करेगा, उसकी सैलरी मिलेगी मिलेगी मैम। ठीक है, हाँ रही जी, बात अपनी, जो कंपनी ने अपन से वादा किया है कि हम आपको ऑटोमेटिक ट्राफिक देंगे, ठीक है, हाँ जी, तो अपन क्या है मैम, कंपनी के एफिलिएटर हैं। हाँ ठीक है, जी, अपन करेंगे कंपनी की एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके लिए कंपनी अपने को सोर्सेस देगी। ठीक है, अच्छा अपने को जी, ट्राफिक देगी कंपनी, वो पेड भी होगा और नॉट पेड भी होगा। ठीक है, जी एफिलिएट मार्केटिंग जो है अकेली ऑन पैसिव तो कर नहीं रही है, दुनिया में पता नहीं कितनी कंपनी है, आप उनके प्रोडक्ट को बेचो और आप अपना कमीशन जनरेट करो, जी समझ बिल्कुल, पा रहे हैं आप। हाँ जी, अमेजोन को यदि आप, अमेजोन से सपोज करो यदि कोई आइटम आप उठाते हो और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आपके कहीं पे कांटेक्ट है, ठीक है, तो आप यदि अमेजोन से प्रोडक्ट उठा के दूसरे बंदे को सेल करते हो या मीशो से उठा के दूसरे बंदे को सेल करते हो, तो आपको कमीशन जनरेट होता है, हाँ होता है जी, नहीं होता, आपने करा होगा होता कभी। है बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, इसी तरीके से मैम ऑन पैसिव है, ऑन हाँ पैसिव के जी, यदि आप प्रोडक्ट को बाजार में बेचोगे, ओ कनेक्ट को बेचोगे, ओ ट्रैकर को बेचोगे, ओ वेरीफाई को बेचोगे, तो आपको कमीशन जनरेट हो जाएगा। बट फर्क क्या है, जी फर्क ये है मैम कि अमेजोन ऑटोमेटिक कस्टमर आपको नहीं दे रहा है, ठीक हाँ है, जी, मीशो ऑटोमेटिक कस्टमर आपको नहीं दे रहा है, बट ऑन पैसिव ने ये वादा करा है, मिस्टर ऐश ने वादा करा है कि ऑन पैसिव आपको ऑटोमेटिक ट्राफिक देगा। मेन अच्छा बात जी, यहाँ पे बस यही है कि ऑटोमेटिक, हाँ यदि जी, ऑटोमेटिक का मतलब तो यही हुआ कि जैसे आप सोते रहोगे और आपके खाते में कस्टमर आते रहेंगे, अच्छा मेन बात यह है। इस वजह से लोगों का ऑन पैसिव के ऊपर विश्वास बढ़ा है। ठीक है, जी, जो लोग कुछ भी नहीं जानते, जो मार्केटिंग का एम भी नहीं जानते, वो लोग भी ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ हाँ और जी, सिर्फ इसी भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं कि ऑन पैसिव हमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक देगा। हाँ तो जी, बस मैम इस वजह से अपन फाउंडिंग मेंबर है, इस वजह से अपने को उम्मीद है, अगर यही अपने को पता वैसे सर होता। अब तो उम्मीदें टूटती ही नजर आ रही है, तो कंपनी के साथ कभी कुछ गलत हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ मैम हो रहा है, देखो, चल ही रहा है उम्मीदें काम टूटती तो। नजर आ रही है, वो बात ठीक है, देखो उम्मीद है ना हवा का झोंका है, देखो अभी फिलहाल ऑन पैसे के साथ नेगेटिव चीजें चल रही है, जैसा पिछले वेबिनार में मिस्टर ऐश ने बोला था कि जी मुझे फाउंडिंग मेंबर्स का सपोर्ट एंड लव चाहिए, तो ठीक है, हाँ तो जी, 1.4 मिलियन जो फाउंडिंग मेंबर्स है, यदि अपन हाँ सपोर्ट करेंगे मिस्टर ऐश को तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाएंगे मैम। ठीक है, जी, और अभी देखो खबरें ये भी आ रही है कि जो अपना ओ कनेक्ट है उसमें बहुत जबरदस्त एडिशनल फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं। ठीक है, हाँ जी, उसका अपने को नया रूप देखने को मिलेगा, जब ये अपना माइग्रेशन वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा
ओ कितना यस, टाइम जो और लगेगा सर माइग्रेशन में? माइग्रेशन में मैम कुछ नहीं कह सकते कितना समय लगेगा, मुझे खुद को आइडिया नहीं है, मुझे क्या मतलब किसी को ही नहीं पता है मैम कि अच्छा माइग्रेशन में जी, कितना समय लगेगा। अभी तो कंपनी के साथ ही दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी दिक्कतें चल रही है माइग्रेशन का प्रोसेस, हालांकि सेटल किया हुआ है हाँ जी, AWS से दूसरे डेटा सेंटर को दिया हुआ है, वो ऑनपैसिव का डेटा सेंटर है या किसी और का डेटा सेंटर है उसके बारे में भगवान जाने, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अच्छा माइग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ बट ये एक बात जरूर है मैम, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, देखो ट्रैफिक आने में समय लगेगा, अभी आपको क्या लगता जी, है समय लगेगा? लगेगा सर, देख रहे हैं मतलब अब तो कुछ वो नजर ही नहीं आ रहे ट्रैफिक के, कुछ हाँ मैम वही आता है? है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने में समय लगेगा, पर शायद विड्रोल आने में समय ना लगे, समझ पा रहे हैं आप? अच्छा जो जी, लोगों के अच्छा पेंडिंग जी, विड्रोल्स लगे मतलब हुए हैं, माइग्रेशन के बाद विड्रोल का हाँ प्रोसेस स्टार्ट माइग्रेशन हो के बाद सकता से है अपन चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बाकी सच्चाई मिस्टर ऐश को पता है कि जी, किस तरीके बिल्कुल से लोगों के पेंडिंग विड्रोल्स देने हैं और किस तरीके से लोगों को ऑटोमेटिक ट्रैफिक देना है, समझ जी, पा रहे बिल्कुल हैं आप? हमें तो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो ये सारी की सारी चीजें मिस्टर ऐश के ऊपर डिपेंड है कि अब हाँ देखो जी, मैम, अब टोटल जो इंचार्ज है ना कंपनी का, जितना भी टोटल इंचार्ज है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, सारा का हाँ सारा जी, मिस्टर ऐश के हाथ में है। अच्छा जी, हाँ सारा का सारा मिस्टर ऐश के हाथ में है, किसी को क्या करना है, कौन से एम्प्लॉय के साथ क्या करना है, किस फाउंडिंग मेंबर्स को किस हिसाब से कमीशन जनरेट करके देना है, कहाँ से ऑटोमेटिक ट्राफिक आएगा, मतलब अच्छा टोटल जो बागडोर है ना उन पैसे की, वो हाँ मिस्टर ऐश जी, के हाथ में है। ठीक है, तो आप अच्छा ज़्यादा पैनिक मत हो, यदि एम्प्लॉय के साथ जी, दिक्कत है, ठीक है, और हाँ वास्तव जी, में ये दिक्कत है, तो उनके पास लेबर कमिश्नर कंप्लेंट, वहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, और यदि ऑन पैसे के साथ ये दिक्कत आती है कि ऑन पैसे वास्तविक में सैलरी नहीं दे पा रही है, तो ऑन पैसे के पास उसकी लीगल टीम है। रही बात अपनी, तो अपने लिए देखो हाँ जो भी कुछ होगा वो मिस्टर ऐश 360 वेबिनार में आते हैं, वो बताएंगे अपने को कि क्या प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाकी माइग्रेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी जो ऑन अच्छा पैसेज जो चल रहा है ना मैम, उसके बारे में जी, मतलब एक करंट सिनारियो की यदि बात करता हूँ, यदि आज की बात करता हूँ, आज क्या डेट हाँ है, 25 है, हाँ आज 25 हो गई सर, हाँ 25, आज की यदि मैं बात करता हूँ, तो मैम आज के टाइम में ऑन पैसिव को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ऑन पैसिव सही चल रहा है या ऑन पैसिव गलत गलत चल डायरेक्शन रही में जा रहा है। ठीक है, जी आज के समय जी पे हो सकता है 2-3 दिनों बाद चीजें कुछ बदल जाएं, तब चीजों का अपने को अच्छे से पता लग जाए। ठीक हाँ जी, है मैम, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ठीक है, जिस चीज की आप उम्मीद करते हैं, मैं भी उसी चीज की उम्मीद कर रहा हूँ ऑन पैसिव से। ठीक है, और मैं और आप ही नहीं, 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स है, वो एक ही आशा और एक ही भरोसे के साथ ऑन जी पैसिव के जी साथ जुड़े हैं कि ऑन पैसिव हाँ हमें जी सर, ऑटोमेटिक जी इनकम देगा। बिल्कुल, ठीक है मैम, ओके सर, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।